वैसे उसे अचानक पता कैसे चला? रिजवान से बात हो रही थी, गलती से उसके मुंह से निकल गया। वैसे उस बेचारे की भी गलती नहीं, वो ऐसे शर्मिंदा हो रहा था, उसको पता तो चलना था ना किसी न किसी तरीके से। और वो जो 6 महीने का वीजा एक्सपायर होने वाला है, उससे पहले ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर लो। प्लान अच्छा है यार, अगर शादी हो तो। प्लीज डैडी को एक और चांस दे दे, प्लीज डोंट गिव अप ऑन अस। ईमान ऐसा तो मत करो ना मेरे please, साथ। प्लीज आई बेग यू मैं भी चलता हूँ। Really? हाँ। Okay, good. शायद जमशेद नहीं चाहता कि मैं उसकी होने वाली बीवी के साथ अकेले थे। I love this coffee. अच्छी है ना? मान गए। कभी कभी तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। कभी कभी नहीं मैडम, मेरी चॉइस हमेशा अच्छी होती है। अच्छा? इसको मैंने अप्रूव कर दिया, समझो वो बिल्कुल सही है, और जिसको मेरा अप्रूवल ना मिला समझो उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हें वो सैम याद है? जो तुम्हारे ऑफिस में काम करता था। हाँ नहीं है, लेकिन अब उसकी वो शादी नहीं है। really? लेकिन पिछले साल ही तो उसकी शादी हुई थी। जी हाँ, और अब डिवोर्स हो गई है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जनाब जिन खातून को पसंद करते थे, शादी करने के बाद मालूम हुआ कि वो तो सिर्फ सैम से अमरीकन पासपोर्ट निकलवाने के चक्कर में थी। बेचारा कितना खुश था। जी हाँ, लेकिन जब मेरी मुलाकात उस लड़की के साथ हुई तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि कोई ना कोई मसला है। मैंने सैम को बताया भी, लेकिन उससे मेरी एक मसला थी, तो देख लो डिवोर्स। वाह महाराज, आप सब जानते हैं। तुम क्यों इतने चुप हो? नहीं मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली आप मेरे लिए एक कप कॉफी लेंगे? रियली? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा मूड नहीं हो रहा। अरे आप बोर होगा, दिल कभी भी बदल सकता है। With milk? With milk. और सुना, काफी घबराए हुए लग रहे हो। तुमने मिशेल से कुछ कहा? अगर कुछ कहा होता तुम इस वक्त यहाँ ना बैठे हो। अगर तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। विजिट वीजा जेब में, ग्रीन कार्ड की ख्वाहिश दिल में, मुझे धमकी दे रहे हो एक अमरीकी शहरी को? चाहते क्या हो रिजवान? मैं चाहता हूँ कि तुम मिशेल को जो सारा झूठा ड्रामा नचाया है अपने मुंह से कह दो। किस किस्म का प्यार करते थे उससे? इतने सालों में वो इतनी खुश है और तुम उससे उसकी वाहिद खुशी छीनना चाहते थे। क्या चाहते हो, दोबारा उस स्टेट ऑफ माइंड में चली जाए जिसमें थी? वाह, I am impressed. ये इसी तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग और बातें करके तुम मिशेल को यहाँ तक लाए हो, राइट? बेटा, मैं मिशेल नहीं हूँ। तो ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, कहीं और जाकर ट्राई कर। तो फिर अपना मुंह बंद करने की क्या कीमत लोगे? कीमत? मैं बता चुका हूँ तुम्हें, अब खुद अपने मुंह से इकरार कर। ये मैं नहीं कर सकता। और मैं मिशेल को इस मौत के कुएं में छलांग लगाने नहीं दे सकता। Thank you. हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं? नहीं कुछ नहीं, उसमें ऐसे ही जमशेद से कह रहा था कि टेंस होने की जरूरत नहीं है, शादी तो हो ही जाएगी। Actually, this bad news from him. इसकी नानी की तबीयत से। Oh, I'm sorry. इन हालात में शादी? हाँ लेकिन मेरी फैमिली है वहाँ। That's not a problem. Oh. Okay. अब थके तो नहीं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस मौसम भी अच्छा है और इसी बहाने एक्सरसाइज भी हो जाएगी। I know, इसीलिए तो मैंने प्लान बनाया था आज
वैसे मेरे सारे दोस्त म्यूजियम जा रहे थे लेकिन मैंने कह दिया कि मैं नहीं आ सकती। मेहमान आप भी चले जाते हैं म्यूजियम, हम ये प्लान फिर कभी बना लेते हैं। नो इट्स ओके। अच्छा जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो तुम्हें और तुम्हारे सारे दोस्तों को म्यूजियम ले जाऊंगा। लेकिन आप तो मेरे दोस्तों को जानते भी। तो ठीक है तुम मिलाओगी तो पता चलेगा ना। ऐसे करते हैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं उनके खानदान को मिल सकते हैं, चलेगा? रियली? क्या? ओके एक सेकंड इधर आए। क्या हुआ? एक फैमिली सेल्फी लेते हैं। मां मां कम ऑन, मेरे सारे दोस्तों ने फेसबुक पे अपनी फैमिलीज की तस्वीरें लगाई हुई है, मैंने भी लगानी है। कम आज अच्छा एक सेकंड मैं पानी लेकर आती हूँ। ओके देखभाल से जाना। ओके पैसे है ना? जी अच्छी तस्वीर, अच्छी और सच्ची तस्वीर में बहुत फर्क होता है। देखो सलमा मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत है, मैं इसे मेहमान के लिए कर रहा हूँ अपने लिए नहीं। आज सब उसका प्लान था, मेरा कोई हाथ नहीं है। मान के लिए कर रहे हैं। ईमान के लिए आपको तब करना चाहिए था जब इसकी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं बर्थडे थी। केक नहीं काटती थी वो, इंतजार करती रहती थी आपका कि डैडी कब आएंगे। कुछ करना ही था तो तब करते जब रात के दो दो बजे तक ये डर के उठ जाती थी, ढूंढती थी आपको और जब नहीं मिलते थे मेरे गले लग के सो जाती थी। तब कहाँ थे आप? जुआ खेल रहे होते थे या जेल में पड़े हुए होते थे। और मैं आपके और अपने सब रिश्तेदारों को जवाब दे रही हूँ। और अफसोस की बात पता है क्या है, जब मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो यही रिश्तेदार मुझे ताने देंगे, बच्चलन कहेंगे, मुझे बुरी औरत कहेंगे। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या है? कि आप एक मर्द पैदा हो, बस। hey. मान बेटा उसके अंदर क्या और कौन सी पिक्चर है? तुम्हारे दोस्तों की है कि स्कूल की है? शो मी समथिंग इंटरेस्टिंग। है दिखाती हूं आज। और जहां तक मुझे याद है तुमने मुझे खुद ही कहा था कि रिजवान के साथ सारे इश्यूज तुम्हारे क्लियर हो गए। मैं आपको किस तरह समझाऊं, यही वो वजह है जिसकी वजह से हम जल्दी शादी कर रहे हैं। जमशेद आ जाओ, तुम्हारा फेवरेट पुलाव बनाया है। मेरे ख्याल से मुझे पुलाव के अलावा भी बहुत सारे खाने पसंद है। तुम तो कहते तुम्हारी फेवरेट पाकिस्तानी डिश है। हाँ लेकिन अब मुझे कुछ और चीजें भी ट्राई करनी चाहिए, मैं यहाँ हूँ तो। तुमने सिगरेट पिए? नहीं। I can smell it. वो एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेस था इसलिए। ज़िंदगी में पहली बार तो नहीं है, बुरी आदत है, ना डालो तो बेहतर है। I know. तुमसे कुछ कहना था मुझे, डिस्कस करना था। क्या बात? बस एक जनरल डिस्कशन नानी की तबीयत के बारे में और मारिया का इशू। हम इस बारे में बात कर चुके हैं मिशा। देखो जल्दी क्या है, अगर तुम्हें वापस जाना पड़े तो दोबारा आ जाना। हाँ बल्कि अगर तुम चाहो तो हम पाकिस्तान में शादी कर सकते हैं, वहां तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं। और मुझे पाकिस्तान नहीं जाना।
देखिए, जब आपने एक चीज प्लान कर ही ली है तो क्यों ना उसे मुकम्मल कर लें। और ना ही आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में और ना मेरे, जिनके लिए हम वहां जाके शादी करें। शादी के बाद नानी से मिल लें। और मारिया? मारिया से मैं बात कर लूंगा। लेकिन इतनी इमरजेंसी क्या है? अगर तुम्हारा वीजा एक्सपायर हो रहा है तो दोबारा लगा लो, बल्कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर। लेकिन मुझे वीजा स्पॉन्सर? मैं समझा, ये बात आपके दिमाग में रिजवान ने डाली। रिजवान बीच में कहां से आ गया? जब भी आप उससे मिलती हैं आप इसी किस्म की बात करती हैं। अब आपको पता चला मेरा उसके साथ क्या इशू है? रिजवान ने मुझे कुछ नहीं कहा इस बारे में, तो तुम बार बार उसको क्यों बीच में ला रही? और जहां तक मुझे याद है तुमने मुझे खुद ही कहा था कि रिजवान के साथ सारे इश्यूज तुम्हारे क्लियर हो गए। मैं आपको किस तरह समझाऊं? यही वो वजह है जिसकी वजह से हम जल्दी शादी कर रहे हैं। एक तो मैं नॉर्मल डिस्कशन करना चाह रही थी तुम्हारे साथ, इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है मुझे नहीं पता। टेंस हो मैं जानती हूं, इसलिए तो सजेशन दे रही थी, लेकिन उल्टा तुम मुझसे लड़ रहे हो। मिशेल, मिशेल, अब क्यों सिकंदर इस तरह कर रहा है? तुम सिकंदर की बातें और हरकतों को सीरियसली मत लिया करो यार। कैसे सीरियसली मत लूं? अच्छा चलो ठीक है, मैं सीरियसली नहीं लेती, लेकिन ईमान तो सीरियसली ले रही है ना। वो सब इन चीज़ों से इफेक्ट हो रही है, समझती है कि हम एक फैमिली बन सकते हैं। वो बच्ची है। एग्जैक्टली, बच्ची है वो, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है और समझ रही है ये सब कुछ रियल है। अगर सिकंदर को बदलना था तो पहले नहीं बदल सकता था? ज़रूर उसे ये हरकतें उसी वक्त करनी है जब जब मेरे जाने का टाइम आए। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, और तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर भट्टी साहब की अम्मी कैसी हैं? कोमे में चले गए हैं। व्हाट? हाँ, पर अब वो जा रहे हैं वापस पाकिस्तान। फिर? और उन्होंने मुझे भी टिकट ला के दी है, मैं साथ जाऊँ। जा रही हो वापस? I guess बेहतर है कि तुम चली जाओ, टेंशन में तो नहीं रहना पड़ेगा। मैं ईमान को छोड़ के कैसे जाऊंगी? मैंने पहले आपको कभी इतना नाराज नहीं देखा। मैं नाराज नहीं, मैं भी उतनी कंफ्यूज हूं जितने तुम हो। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। आई नो। अगर तुम अपनी नानी की वजह से परेशान हो तो मैं मारिया की वजह से टेंस हूँ। आप क्या समझती हैं? मैं नहीं चाहता कि मारिया हमारी शादी पर मौजूद हो। मैंने ये नहीं कहा। फिर कोई तो बात होगी ना जिसकी वजह से मैं शादी अभी करने पर इसरार कर रहा हूँ। ये 9562 आप ही का पासपोर्ट नंबर है ना? जी हाँ, वो मैंने जावेद से दो बैग मंगवाए थे, एक आपके लिए मंगवाया था, मैंने सोचा कि हो सकता है जरूरत पड़ जाए। अच्छा, मेरा मतलब है कि सामान ज्यादा भी तो हो सकता है ना। अम्मी कैसी है? अम्मी कौन? आपकी वालदा। हाँ हाँ, अम्मी अम्मी बस वैसी ही है। अम्मी आपके मुंह से अम्मी सुनकर बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, खामोश हो गई आप? नहीं वैसे ही। आप भी सोच रही होंगी कि अजीब आदमी है, सब कुछ यहाँ छोड़ छाड़ कर वापस पाकिस्तान जा रहा है, कहीं धोखा ही ना दे दे, है ना? हाँ, अब तो इतने धोखे मिल चुके हैं मुझे कि धोखों से डर नहीं लगता। अलबत्ता अगर खुशी ज्यादा मिल जाए ना तो फिर वहम होने लगता है। तो फिर आप ईमान के लिए परेशान हो रहे हैं? हाँ बस,
अरे भाई मैं आपको कौन सा कोई हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मैं तो वापस नहीं आ सकता यहाँ, लेकिन आप तो कम से कम चक्कर लगा ही सकती हैं यहाँ का। और अगर वापस यहाँ आकर मेरा दिल ना चाहे पाकिस्तान आने को, फिर मेरी किस्मत। लेकिन ये आजमाने के लिए एक दफा यहाँ से जाना जरूरी है। अच्छा मैं जाने से पहले ईमान से मिलना चाह रहा था। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं रहेगा। वारी किस्मत, बच्ची के सामने भी विलन बनाकर खड़ा कर दिया। अब यकीन आया आपको? मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खुद आपसे अभी तक मोहब्बत करता है। जाने का फैसला कर लिया? मैं बता चुकी हूं आपको। तुमने बता तो दिया है सलमा, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज सलमा। जहां चलो सलमा प्लीज, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ अपनी गलतियां सुधारने के लिए एक मौका दे दो, जस्ट वन चांस, वरना मैं अपने जमीर के बोझ तले दबकर मर जाऊंगा सलमा प्लीज। मैं ये कह चुकी हूं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो सलमा प्लीज। सिर्फ एक मौका दे दो, सिर्फ एक चांस दे दो, उसके बाद एक भी गलती की मुझे छोड़कर चली जाना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज इतना सुनो, छोड़ के मत जाओ, मत जाओ सलमा प्लीज। मत करो इस तरह, मत करो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तुम्हारे बगैर ईमान क्या करेगी, तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा? वही जो तुमने आज तक नहीं किया, ईमान का बाप बन के दिखाओ, क्योंकि मैं जो कर सकती थी ना मैं कर चुकी हूं, और कुछ नहीं कर सकती मैं। सलमा प्लीज, सलमा सिर्फ एक मौका दे दो सलमा। चाहता क्या अरसवान? इस बात का मैं तुम्हें कई बार जवाब दे चुका हूं, लेकिन बार बार तुम वही सवाल पूछते हो, व्हाई? क्योंकि तुम ठीक जवाब नहीं देते। मतलब? मतलब कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम इसलिए मेरी और मिशेल की शादी के हक में नहीं हो, क्योंकि क्योंकि तुम खुद उससे प्यार करते हो। इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, वरना तुम क्यों मारिया को इतला देते? इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मारिया को इतला क्यों देता हूं, क्योंकि मकसद तुम जैसे घटिया इंसान से मिशेल की जान छुड़ाना है, दैट्स व्हाई। घटिया? और क्यों मैं घटिया रिजवान? मैं तुम्हारी तरह बहुत हाईली एजुकेटेड, किसी अच्छे करियर और एक राइस बैकग्राउंड का आदमी नहीं हूं, इसलिए मानना पड़ेगा। तलवार सर पर लटक रही है और अभी भी एटीट्यूड वैसा ही है। Yeah, the thing is that simply तुम मिशेल को deserve नहीं करते। Oh. और तुम करते हो? हाँ, क्योंकि मिशेल की जितनी मैं केयर करता हूं और जितना प्यार मैं उससे करता हूं, तुम मर भी जाओ तब भी नहीं कर पाओगे। गुड गुड, आई ना दिल की बात तुम्हारी जुबान पर। हाँ आगे, एनीथिंग एल्स? यस, तुम जो करना चाहते हो कर लो, कि मैं मिशेल को नहीं छोड़ूंगा। सोच लो, आखिरी मौका है, कहीं के भी नहीं रहोगे। क्यों? टेररिस्ट डिक्लेयर कराने का इरादा तुम्हारा?
जरूरत पड़ी तो वो भी करवा दूंगा। एक पाकिस्तानी है, ऑन विजिट वीजा पर आया, लीगली काम कर रहा, तुझे तो बचाने वाला भी कोई नहीं मिलना। और ये इंग्लिश में डायलॉग है, एंड यू वांट टू शूट, यू शूट, यू डोंट टॉक। गेट लॉस्ट। जाने से पहले टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ के पैसे देना चाहता हूं। कल की फ्लाइट पक्की है ना? जी एक बार भाई। मैंने तेरा कमरा साफ करवा दिया है। ठीक है भाई। क्या हाल है अम्मी का है? वो जब से तेरे आने का सुना है बहुत खुश हैं। डॉक्टर कह रहा था कि सुन और देख सब कुछ रही है। भाई ने अम्मी के कान से फोन लगाएंगे, मैं बात करूं उनसे। हाँ हाँ ये लगा रहा हूँ। ये लगा दिया। अम्मी जी मेरी जान, अभी सुन रहे हो ना? अभी मैं आ रहा, मैं वापस आ रहा ताडे कोल। एयरपोर्ट से लैन आओगे ना अम्मी जी? है? आओ एयरपोर्ट से लैन आना है। वो सलमा भी आ रही है मेरे साथ, आपके सामने करूंगा निकाह उससे। है दोनों माँ बेटा मिलके भंगड़ा डालेंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। है अम्मी, चलो फिर कल एयरपोर्ट पे मुलाकात होती, आओगे ना? मैं रखना फोन। लाफ
जिसे मैंने ही जा रहा सत्य रोज बुला दिया, और अब मैं वापस जा रहा हूं तो बोलती भी थी। जी, जो पेपर्स आपने मंगवाए हैं लॉयर से, कुछ कह तो नहीं रहा था ना। बस यही कह रहा था कि हैरान था कि आप ना इस स्टेज पे वापस जा रहे हैं। नहीं समझेगा वो, नहीं समझेगा। अच्छा, वो लड़के कह रहे थे कल आपको छोड़ने के लिए ना वो एयरपोर्ट जाएंगे। नहीं यार, किसी को जाने की जरूरत नहीं है यार। क्यों मेरा जाना मुश्किल करना है तुम लोगों ने जालिमों? मैं तो जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। बेटी साहब, ओ यार, इतने सालों से मैं टैक्सी की अगली सीट पे बैठ रहा हूं। जाने से पहले टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ के पैसे देना चाहता हूं। बेटी साहब, आप भी ना। ये लाइसेंस वापस कर दे यार इनको। साथ ले जाए लाइसेंस, याद रहेगी। नहीं, ये लेते वक्त मैंने इनसे कहा था कि जाने से पहले वापस कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि घोरा मुझे वादा खिलाफी का ताना दे। ये ले। बारी हरी किस्मत है। कौन था? पुलिस। क्या? फिक्र ना करें, मैंने उन्हें बुलाया था। क्यों? मैंने उन्हें रिजवान का नाम और एड्रेस दे दिया। अब अगवान करीब आया तो उसके खिलाफ केस होगा। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, मैं खुद उससे नहीं मिलना चाहती। मैं जानता हूँ, लेकिन वो बाज नहीं आएगा, इसलिए उसको वार्निंग देनी जरूरी थी। और मैंने मारिया को भी हर चीज बता दी। लेकिन उसको बताने की क्या जरूरत थी? उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत थी मुशा। मैं नहीं चाहता वो उस बेचारी का दिमाग खराब करे, और आपको नहीं पता वो कितना चलाक आदमी है। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि उसने मुझसे पहले कैसी कैसी बातें की हैं। सिर्फ आपकी वजह से मैंने बार बार उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा भी कर सकता है। हाँ, जब मोहब्बत हासिल ना हो तो इंसान अक्सर पागल भी हो जाता है। पता नहीं कैसी कैसी बातें कही उसने मेरे बारे में। अब आपको पता चला कि मैं शादी जल्दी करने पर क्यों इसरार कर रहा था। और अगर उस वक्त मैं आपको छोड़ के चला जाता तो उसने आपके दिमाग में मेरे खिलाफ इतना जहर भरना था कि आपने दोबारा मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखना था। लेकिन उसने मेरे लिए इतना कुछ किया था, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। पहले तो ऐसे नहीं था। पहले मैं भी नहीं था, और अक्सर लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं। खैर, मारिया भी कह रही थी कि अब आपको मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। क्या? हाँ, उसने कहा कि उसके लिए भी वहां से निकलना पॉसिबल नहीं है, और आपके और मेरे लिए शादी और डिले करना बेहतर नहीं होगा। वो तो समझती है। अब आप क्या करना चाहती हैं, आप सोच लें। 9 से पहले डेट मिल सकती है? I want to get out here as soon as possible. मैं चेक करता हूँ। इतनी मोहब्बत करती है आप उस आदमी से? No. अपनी बेटी से भी ज्यादा? No, I don't love anyone more than you. No one.
आप मुझे क्यों तैयार कर रही हैं? बस ऐसे ही दिल चाह रहा है। लेकिन आज तो मेरी बर्थडे भी नहीं है। कभी कभी अपने बाल खुला छोड़ दिया करो ना, कितने प्यारे लगते हैं। अच्छा मैम, आज मेरी डिबेट क्लास नहीं है तो मैं घर वापस जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद बाहर जाएंगे और मूवी देखेंगे। हाँ, लेकिन शायद मैं घर पे ना हूँ जब तुम वापस आओ तो। क्यों, कोई काम है? बहुत जरूरी काम है एक, शायद मुझे बहुत देर हो जाए। कितनी देर? पता नहीं, लेकिन तुमने एक प्रॉमिस करना है मुझसे, ओके? जब तक मैं वापस नहीं आऊँ ना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तो हमेशा अपना ख्याल रखती हूँ। आप क्यों रो रही हैं? चलो, आप ही दादी की तरह हो गई हैं। क्या हुआ? इट्स ओके मॉम। ठीक हूँ। आर यू श्योर यू ओके? फाइन। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। खुदा। हेलो। हेलो जी मामू, कैसे हैं आप? मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। ओके। अम्मी कोमे में है। क्या? आई एम सॉरी टू हियर दैट। सॉरी टू हियर दैट। ठीक है ठीक है, तू जा अपना काम कर, मैंने खाम खातिर डिस्टर्ब किया, माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज। Sorry to hear that. खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हमें छोड़ के मत जाओ, ये घर खत्म हो जाएगा बेटा। ताई जी, ये कभी घर था ही नहीं, और अगर कभी था भी तो बहुत अरसा पहले खत्म हो चुका था। अच्छा बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। मैं तुमसे खुद माफी मांग रही हूँ। सिकंदर भी देखो कितना बदल गया है, अब वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। और तुम्हें अपने माँ बाप का वास्ता, ऐसा मत करो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ, ये जुल्म मत करना, तुम मत जाना। आप ये घर क्यों छोड़ के जाएंगी? बाहर से तो मैं आई हूँ ना, मुझे ही जाना होगा।
ये डिवोर्स पेपर्स हैं अंदर, इसको साइन कर देना। मैं नहीं चाहती कि हम किसी लॉयर के चक्कर में पड़े। बिला वजह का खर्चा होगा और ईमान के लिए जो पैसे सेव किए हैं वो खर्च हो जाएंगे। अल्लाह ठीक कह रही, साइन कर दूंगा। एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से, ईमान जब वापस आए तो प्लीज उसे सच बोलिएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे नफरत और गुस्से में उसकी सारी यादें खराब हो जाएं। आपने मुझसे झूठ बोला था, अब जा रही है। ईमान, ईमान, ईमान बेटा, ईमान, ईमान, ईमान प्लीज रुको रुको रुको। आप मेरे पास ना आओ, इतना बड़ा झूठ बोला आपने मेरे से। आपने कहा था आप यही रहोगी। हाँ मगर मैं और मुझे बताए बगैर जा रही थी। आपने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि जब मैं घर वापस आऊंगी मेरे पे क्या गुजरेगी। That once again in my life I don't have a mother. ईमान प्लीज, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं तुमसे कुछ कहूँ। हाँ लेकिन इतनी हिम्मत थी कि अपनी बेटी को अकेले छोड़ के जा रही थी। इतनी मोहब्बत करती है आप उस आदमी से, अपनी बेटी से भी ज्यादा। नो आई डोंट लव एनीवन मोर देन यू। नो मुझे छोड़ कर मत जाए। नहीं जा रही ओके okay? नहीं जा रही। चलो वापस। खुलो ना अखा है, खुलो मेरे गल्ला करो, देखो तो सही मेरे बाल बड़ा बदल गया, मैं चेंज हो गया। तुम्हें चार महीने में शादी तक ले आना, ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, तुम्हारे घर में रहना, तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर लेना, ओपन योर आईज। में बस बहुत हो गया। लेकिन मेरी सजा की कोई मुद्दत नहीं है। अपनी कमजोरियों और मजबूरियों की वजह से जिस मुकाम पे मैंने उस शख्स को अकेले छोड़ा था, उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा मुझे। एक दिल सी रहा मेरे कोलना।